हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के जो प्रतिनिधि मंडल है, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके आवास में जाकर मुलाकात करनी चाहिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अनुपस्थित थे, जिसकी वजह से उनके जो PRO हैं श्री मुलायम सिंह रावत जी को ज्ञापन सौंपा गया। और उस ज्ञापन में क्या क्या था, किन किन बातों पर और किन किन भर्तियों के बारे में उसमें चर्चा की गई थी, उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे आपके साथ चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, देख सकते हैं 21/7/2021 को उत्तराखंड बेरोजगार संघ के लोग जो है मुख्यमंत्री जी के आवास पर मिलने गए तमाम मांगों को लेकर, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुपस्थित होने पर उनके जो PRO हैं श्री मुलायम सिंह रावत, ठीक है, मुलायम सिंह से नाम सुन के तो मुलायम सिंह यादव का नाम आ जाता है, ठीक है, तो उनको जो है ज्ञापन सौंपा गया। और वो मांगे कौन कौन थी, मैं उनके बारे में अभी यहाँ पर आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इससे पहले आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो है ध्यान से उसको देखा, पढ़ा, समझा, और उम्मीद करता हूँ कि पढ़ने के साथ समझने के साथ ही उन्होंने इस चीज़ पर भी अमल करने की पूरी कोशिश की होगी। तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ बुक, यहाँ पर उन्होंने रेफरेंस नंबर वगैरह सारा लिखा है। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा की स्टोरीज पर आप इसको देख सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य के शिक्षित बेरोजगारों की विभिन्न समस्याओं से संबंधित 13 सूत्री मांग। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले पर्वतीय राज्य को देखते हुए, यहाँ के निवासियों की लंबाई सामान्य तौर पर 160 सेंटीमीटर से 163 सेंटीमीटर आंकी गई है। आप देख सकते हैं ये मेनली हाइट को लेकर ये मैटर जो है लेखपाल और पटवारी की जो भर्ती आई थी उसमें अटका हुआ था। तो यहाँ पर उन्होंने फिलहाल इस मांग को, हालांकि वहाँ पे तो हटा दिया गया था, अब यहाँ पर उन्होंने जबकि उत्तराखंड भर्ती की ऊंचाई मानक 165 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर उत्तराखंड की पुलिस भर्ती को लेकर भी यहाँ पर उन्होंने जो है एक क्वेश्चन उठाया है। उसके अलावा आप देख सकते हैं वर्तमान में जो विज्ञापन नए निकल रहे हैं उनमें जो एक एज कैलकुलेशन है 1 जुलाई 2020 के आधार पर ली जा रही है, जो कि किसी भी आधार पर तर्कसंगत नहीं है, जिससे 1 जुलाई 2020 के बाद 18 वर्ष से 21 वर्ष के आयु पूर्ण कर चुके अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने में वंचित रह जा रहे हैं। अतः महोदय से आयु की गणना विज्ञापन निकलने वाले दिन से या 1 जुलाई 2021 से की जाए। पटवारी भर्ती में कम से कम 2 वर्ष अथवा अधिक से अधिक 5 वर्ष की आयु की सीमा छोड़ दी जाए। तो इसको लेकर यहाँ पर उन्होंने अलग अलग मांगे रखी हैं, क्योंकि जो एज कैलकुलेशन की छूट दी थी उसमें ये हुआ था निर्णय कि पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री थे TSR, उनके कार्यकाल में ये हुआ था कि COVID-19 को देखते हुए काफ़ी फॉर्म नहीं आते थे, इस वजह से वो बैक ईयर में उनकी डेट कर दी गई थी। अब देखते हैं इस पर क्या निर्णय लिया जाता है। उसके अलावा वार्षिक कैलेंडर जारी करने को भी कहा गया है, जबकि हर स्टेट का वार्षिक कैलेंडर निकलता है लेकिन यहाँ पर नहीं निकलता है। चौथी मांग क्या है, आउटडोर संविदा और ओपनर PRD के माध्यम से बनाया जाता है। आप देख सकते हैं आउटसोर्सिंग इसमें होती है, ठीक है, इनके जगहों पर अपने चहेतों को रखा जाता है, और यह बात बिल्कुल 100% सही भी है। उसके अलावा उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत सभी रिक्त पदों को सापेक्ष विज्ञप्ति जारी किया, क्योंकि 6 वर्षों से कोई विज्ञप्ति नहीं निकली हुई, और ये बिल्कुल सापेक्ष बात है कि उत्तराखंड पुलिस की भर्ती आज तक नहीं निकली है, आज तक निकली। उसके अलावा राज्य में प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षित हैं उनके ऊपर, हालांकि हमने डिटेल वीडियो बनाया तो आप उसके ऊपर देख सकते हैं। उसके अलावा JEE के रिक्त पदों पर, और उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात इस वीडियो में है वो है कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती को लेकर। तो 8वें नंबर पर आप देख सकते हैं कि गत महापूर की कोऑपरेटिव बैंक की में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के 442 पदों पर भर्ती होनी थी, परंतु भर्ती में अनियमितताओं के आरोप लगने के कारण भर्ती स्थगित कर दी गई थी। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए भर्ती को फिर से पारदर्शिता के आधार पर संपन्न कराई जाए एवं इसे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा संपन्न कराए। भाई साहब, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तो थोड़ा दूर की बात है, वो अपने जो और भी भर्तियां चल रही उनको करा ले, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं नहीं समझता कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कॉपरेटिव बैंक से भर्ती हो सकती है, ये तो किसी भी आधार पर संभव नहीं है। लेकिन हाँ, IBPS के थ्रू इसकी भर्ती हो सकती है, और ये लॉजिकल फैक्ट भी है, और उसके अलावा जल्द से जल्द हो सके तो कॉपरेटिव बैंक्स की भर्ती के बारे में इसका सोल्यूशन किया जाए, ठीक है। अगले बढ़ते हैं 9 नंबर पर, आप देखते हैं यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती
को लेकर कहा गया है, 2017 वाली वैकेंसी अभी पेंडिंग ही है और इसका फिजिकल अभी होना बाकी है। उसके बाद दसवें में PCS आप देख सकते हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से आज 5 से लेकर 6 साल से ऊपर हो चुके हैं, कोई PCS रैंक्स की भर्ती नहीं आई। उसके अलावा उद्यान विभाग में भी जो है भर्तियाँ, उसके बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कई जो डिपार्टमेंट हैं उनके एग्ज़ाम भी हो चुके हैं, उनके रिजल्ट भी आ चुके हैं। ज्वाइनिंग लेटर के लिए वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है, ये कहना है 13वें नंबर 12वें नंबर पे। उसके अलावा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कई जो है लगभग 23,750 पदों पर स्कूल और इंटर कॉलेज यानी कि शिक्षा विभाग की यहाँ पर बात की गई है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा हमें लगा कि पूरे के पूरे राज्य में जितनी भी बेरोजगारों की समस्याएं थी इन्होंने सभी को 13 पॉइंट्स के माध्यम से उजागर करने की पूरी कोशिश की है। मैं इसका समर्थन करता हूं, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर। यहां पर आप देख सकते हैं भौजी बॉबी पवार अध्यक्ष उत्तराखंड बेरोजगार संघ, तो इन्होंने सभी ने मिलकर अपनी ओर से पूरी कोशिश की है, तो ये हमारा भी दायित्व बनता है कि हम इन सभी का साथ दें। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप इन 13 पॉइंट्स में से किस पॉइंट पे आते हैं, यानी कि किस किस यहाँ पर। हालांकि उन्होंने उत्तराखंड के समस्त बेरोजगारों की मांग उठाई है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इन 13 पॉइंट्स में से किस किस पॉइंट से सहमत हैं, कॉमेंट सेक्शन में बताना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।